बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वीडियो में दिख ही रहा होगा कि हम जा रहे हैं कहीं और कहाँ जा रहे हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारी हो रही है क्लास, हो रही थी जो कि हो चुकी है, और उस क्लास में मेरा डेमो था और ये है हमारी मॉडल। और मॉडल के साथ हम यहाँ पर ब्राइडल रूम में बैठे हुए थे, तो हमने सोचा थोड़ी सी ब्राइडल को वर्कशॉप बता दी जाए कुछ। तो जो लोग वहाँ पर सही से डेमो नहीं ले सके उनको हम यहाँ पर भी गाइड कर देते हैं। अच्छा, ये बना लगा था ब्यूटी मेला और बहुत ज़बरदस्त, इसमें काफ़ी सारी कंपनीज आई हुई थी जिन्होंने अपनी अपनी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले की हुई थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े फेमस ब्यूटिशियंस भी आए हुए थे। हम भी गए थे और हमारा इस्तकबाल बड़ा अच्छे तरीके से किया गया था। बहुत अच्छी माशाल्लाह से मेहमान नवाजी की है, उम्मीदें उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। और आप लोग जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आए, मैं आप लोगों को सर चौहान का लेक्चर सुनाती हूँ। मैं कह रही थी कि आप फ़ोन से कह रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे क्या फायदा होता है? इससे बेटा बंदा जवान हो रहा है, हाँ जवान हो रहा है। और हम लोग क्या करते हैं, अपने सैलून पे कुछ नहीं, अपनी वैरायटी लिख के लगाते हैं। आप जो चाहते हैं अपने सैलून पे अच्छा बिजनेस करना, वो चार्ट लें और चार्ट के दो हिस्से करके उसको मार्कर से लिखें क्या आप क्लाइंट्स के लिए है, क्या आप हमेशा अपने आप को जवान देखना चाहती है, तो आइए एंटी रिंकल फेशियल करवाएं। क्या आप चेहरे की बीमारियां दूर देखना चाहती हैं, तो आइए हर्बल फेशियल करवाएं। ये दो चार्ट लिख के लगा दें, यकीन जाने जो आईब्रो बनाने आई हुई है वो भी देख के कहेगी कि मैं, मेरे रिंकल पड़ रहे तो मैं ये फेशियल करवाऊं। हाँ, तो जी आप लोगों ने सर चौहान का लेक्चर तो सुन ही लिया होगा कि कितने मज़े का उन्होंने लेक्चर दिया है। ये तो छोटे छोटे से लेक्चर से जो बड़े बड़े स्टार्स ने दिए थे। ये जी हमारी इंट्री हुई है और हम जा रहे हैं ऑन स्टेज मेकअप डेमोस्ट्रेशन के लिए। तो बहुत थोड़े से वक्त में वो बहुत जल्दी जल्दी काम करना था, तो मैं बता दूं कि हमने सबसे पहले क्या किया था। सबसे पहले हमने आई बेस बनाई थी, और आई बेस बनाने के बाद यहाँ पर बहुत आसान, बहुत क्विकली मेकअप आप कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि सिर्फ आई पे जो है बेस बनानी है। आई बेस बनाने के बाद आपने ट्रांजिशन शेड कन्वर्ट करना है पीच कलर के साथ। मैंने इसको कन्वर्ट वो पूरा लगाया था ट्रांजिशन शेड के तौर पर, और उसके बाद फिल कर दिया उसके अंदर। ब्राउन कलर पाउडर कलर फिल किया है मैंने इसमें। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने लाइनर लगाने हैं, और लाइनर लगा के आपने इसको स्मस्ट कर देना है डार्क ब्लैक कलर के साथ, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल से इस तरह का हमने यहाँ पर आई मेकअप किया था। और उसके बाद क्या किया था जनाब, बेस वही है जो हम लोग यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पर यूज़ की थी वनीला एंड कैशियो हुदा की, और क्रिस्टीन की बेस भी यूज़ की थी। गर्मी इस कदर थी कि आपकी सोचे, क्योंकि 400-500 की गैदरिंग थी। ये हॉल इतना बड़ा था, काफ़ी बड़ा हॉल था, और बिल्कुल फुल था, पैक था, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और आज तो मौसम बहुत ठंडा है इस्लामाबाद में। और सारा जो मैंने आई शेड ब्रांड यूज़ किया है वो बीबीए का यूज़ किया था, ब्यूटीफाई बाय आमना का यूज़ किया था। बेस जो मैंने यूज़ की थी वो क्रिस्टीन एंड हुदा मिक्स करके की थी। गर्मी की वजह से हमने यहाँ पर लोगों को दिखाया कि देखिए स्वेटिंग में भी ये बेस बहुत ज़्यादा कामयाब है। तो साथ पंखा इसलिए रखा था कि बिल्कुल पसीने पसीने मॉडल हो रही थी, मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ये जो मैंने बेस बताई थी बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग गर्मियों में मस्त ट्राई कीजिएगा। अच्छा, आप लोगों के पास जेल लाइनर होंगे, जेल लाइनर ड्राई हो जाते होंगे, सूख जाते होंगे, तो उसके लिए एक बेहतरीन टिप है वो सुनिए। गलतियाँ करते हैं कि हम जेल लाइनर बाय करते हैं और जेल लाइनर क्या होता है कि वो ड्राई हो जाता है और हम फेंक देते हैं, ठीक है। तो आप इंग्लॉट में ना इसका ये सीलर ले लीजिए, ठीक है। आप लोगों ने ये एक ड्रॉप यूज़ करना है, अगर आप एक दफ़ा लेंगे तो आपका ये लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। और आपका किसी भी ब्रांड का जेल लाइनर अगर, या वाइट ब्लैक लाइनर जो जेल के होते हैं, या मस्कारा, अगर कोई भी इस तरीके से प्रॉब्लम कर रहा है तो आप अपने उसमें यूज़ कर ले रहे हैं और ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, अच्छा जी लाइनर जेल लगाया। जेल लाइनर के साथ मैंने डार्क ब्लैक कलर लेके इसको स्मस्ट कर लिया अच्छी तरीके से। वो भी मेरे पास डार्क कलर नहीं था, तो मैंने ज़रा मेहरूनी वॉयलेट कलर, वॉयलेट एंड मेहरून का मिक्सिंग कलर यूज़ करके कर लिया। अब टाइम आप लोगों को पता है स्टेज पे बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम नहीं, यानी बहुत कम होता है, तो उसके हिसाब से जल्दी जल्दी काम करना है। लैशेज लगाई, लैश ग्लू यहाँ पर जो यूज़ किए वहाँ पर ऑडियंस, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे पर मैं बता नहीं पाई, यहाँ पे मैंने क्रिस्टीन की यूज़ की है। क्रिस्टीन की जो लैश ग्लू है वो बेस्ट है,
ठीक है। और जो लैश यूज़ की है वो मैंने 3D यूज़ की थी, 6D यूज़ की थी। और दूसरा मैं आप लोगों को बताती जाऊँ, इस हेयर स्टाइल के बारे में सब लोगों ने बहुत पूछा है, तो इसकी वीडियो भी मैं जल्दी इंशाल्लाह ताला यूट्यूब पे जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग मेरा हाल देख रहे हैं, पसीने के मारे बहुत बुरा हाल था और बड़ी हिम्मत थी कि मैं खड़े होकर काम कर रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अच्छा, ये ज्वेलरी वगैरह सब कुछ सेट थी, सेट ज्वेलरी के साथ काम करना, देखें किस तरीके से हम कर रहे हैं। क्लासेस देना, ये करना बहुत मुश्किल है। बड़े बहुत अरसे बाद मैं क्लासेस देने के लिए ऑन स्टेज क्लास देने आई हूँ, तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, थैंक यू सो मच। और अहमद भाई उम्मीदें उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया, थैंक यू सो मच। बड़ी प्यारी सी शील्ड भी मिली है वो, जो कि मैं एंड में दिखाऊंगी। अच्छा, ड्रेस के बारे में बता दूँ, ये काशिश का ड्रेस है, ज्वेलरी भी काशिश की, नज़र आ रहा होगा आपको, दिख ही रहा होगा कि ये उन लोगों की ड्रेस एंड ज्वेलरी है। बड़ा अच्छा ड्रेस था जिसको हमें प्रोवाइड किया था उम्मीदें नो वालों ने ही। और यहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ 912, और 912 जो है वो अच्छी तरीके से आपने कॉम्पैक्ट को फिल करना है, क्योंकि क्या होगा कि इसकी वजह से ना आपकी जो जितने भी वो एक्स्ट्रा वो होंगे, यानी कि लाइक सीबम है, वो इसको जज कर लेगा। और देखें कितनी खुश दिली से लोग मेरा जो है ब्राइडल डेमो देखने के लिए, कितने उससे ये लगन से बैठी हुई हैं। मैं कहती हूँ बहुत मेहनती हैं औरतें जो कि घरों से निकलती हैं, सीखती हैं और फिर इंशाल्लाह ताला अच्छा काम करती हैं। अल्लाह ताला आप सब के कामों में बरकत दे, और आप सबका थैंक यू, आप सबका शुक्रिया कि इतने दिल से आप लोग बैठ के ये डेमो ले रहे थे, और इतनी बहुत ज़्यादा क्राउड में इस तरह डेमो लेना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने आई मेकअप कर लिया है डन, और क्रिस्टीन का कंटूरिंग किट नंबर 4 ये मैं आई पे अप्लाई कर रही हूँ, आईब्रोज़ के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, अच्छे तरीके से लगा रही हूँ ताकि मेरी जो आईब्रोज़ हैं वो इन्हेंस हो जाएं। यहाँ पर जो वाइट काजल पेंसिल है वो स्वीट फेस की यूज़ कर रही हूँ। और आप लोगों को पता है मैं तमाम ब्रांड्स पे काम करती हूँ, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है ना वो काम कर सकते हैं किसी भी ब्रांड को लेके। तो जी यहाँ पर फ्लोर मार ये इसका ही जो है आर्टिकल नंबर 4 है, फ्लोरेंस की किट है BBA की, ठीक है। और साथ में मैंने फ्लोर मार का हाईलाइटर भी यूज़ किया था। और ये जनाब जल्दी जल्दी डन किया जा रहा है आई मेकअप। मेरी छोटी छोटी कैट्स हैं जो कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने दे रही, शायद इनकी आवाज़ भी आपके साथ साथ यहाँ पर हो जाए। और ये मेरा डेमो जो है एंड हो चुका है, किसी दिन मैं अपनी स्मोक और स्नो से भी मिलवाऊंगी आप लोगों को। ये मेकअप डन हो चुका है और मेकअप की वॉक होगी, और वॉक देखिएगा। आप लोगों से मेरी इल्तिजा है कि ये मेरे चैनल को जल्दी जल्दी अच्छा सा प्रमोट करें, और मुझ में एक मोटिवेशन करें कि मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी जो है ना वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोगों की प्यार मोहब्बत का शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, मेरी दुआ है जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उन सब लोगों को अल्लाह ताला रहमत बरकत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह हाफिज़। रिक्वेस्ट करूंगा उम्मीद नो के जो डायरेक्टर हैं शहबाज शहबाज की जानिब से नदीम की खिदमत में ये अवार्ड पेश करें। जोरदार तालियां अवार्ड लेते हुए क्लैप होनी चाहिए। अच्छा, राइट आ रहा है।